बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज श्री नवयुवक रामलखन जी ने सफल 7 दिन के अंदर कदम रखा है। आज पहले दृश्य था शबरी मिलन, शबरी के साथ जो प्रभु राम के संवाद थे उसमें समरसता का पाठ दिखाया गया कि जात पात कुछ नहीं है। प्रभु राम ने भिल्ले के भी बेल खाए, उसके बाद अब किष्कंधा पर्वत पर राम जी का और सूर्य का मिलन होगा। इसके बाद हनुमान जी लंका जाएंगे, अंगद लंका जाएगा और लंका दहन होगा। यही आज की लीला का क्या कितना उत्साह है लोगों में, जो लोग आ रहे हैं या मंचन देख रहे हैं, कितना उत्साह है, क्या कह रहे हैं? आप देख सकते हैं कि यहाँ पर परिवार के परिवार आगे बैठे हुए हैं और शुरू से ही आखिर तक यहाँ पर लोग रामलीला देखने के लिए बैठे होते हैं और सब केवल रामलीला देखते हैं। हमारी रामलीला के अंदर चाट पकौड़ी नहीं है, झूले नहीं है, केवल प्रभु राम का दृश्य, उनकी जो लीला है वो दिखाते हैं। पिछले 53 वर्ष से लगातार एक छोटी सी गली से और घर के बैंक से शुरू हुई हुई रामलीला यहाँ तिकोना पार्क में पिछले 25 वर्षों से हो रही है और लोग लगातार, ये पारिवारिक एक आप कह सकते हो, ये पारिवारिक उत्सव है। 10 दिन एक कश्मीरी गेट का पूरा परिवार जैसे होता है, पूरा कश्मीरी गेट मोरी गेट इसमें आके इकट्ठा होता है। ये लोग मेला देखने नहीं आते, ये प्रभु राम के जीवन को रिस्मरण करने आते हैं, दोबारा से स्मरण करना प्रभु राम के चरित्र को। और आज वह 7वां दिन है, सबसे पहला दृश्य है कि शबरी से मिलेंगे राम जी और शबरी और राम जी के संवाद, जो सामाजिक समरसता का एक बहुत जीवंत उदाहरण है और जिसकी आज की दिन आज की तिथि में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि सब लोग एक है, हिंदू हैं। ये जो बात हम लेके चलते हैं वो इस दृश्य में बहुत पॉजिटिवली दिखती है हमें। और उसके बाद बालीवध है और सुग्रीव जी का राज तिलक है और उसके बाद अंगद का लंका में जाना, लंका दहन हनुमान जी के द्वारा काफ़ी बड़ी रामलीला है आज। और लगातार ये दृश्य ऐसे ही चलते रहते हैं, बीच बीच में हमारे बीच में अलग अलग अकेडमियों से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी दिए जाते हैं, जिसमें कवाली है, कवि सम्मेलन है, पंजाबी अकेडमी का कार्यक्रम, कल यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। तो एक पारिवारिक, जैसे इसमें कुछ मुस्लिम परिवार भी हमारे पिछले काफ़ी वर्षों से जो यही कश्मीरी गेट के वासी हैं लगातार देखने आते हैं, और कुछ परिवार जो यहाँ से शिफ्ट हो गए क्योंकि सारी कमर्शियल मार्केट बन गई है, लेकिन वो स्पेशल इस लीला में हम लोगों से मिलने आते हैं। पहले चरण दबाओ, प्रभु क्यों शबरी? मैं भिन्न हूँ प्रभु। शबरी, मनुष्य जाति से नहीं अपने कर्मों से महान माना जाता है। धन्य हो प्रभु, धन्य हो, आज ने मेरा सारा धर्म मिटा दिया प्रभु। आइए प्रभु, आइए। बड़े ही स्वादिष्ट है, तो लक्ष्मण तुम भी खा लो। ये तो अमर फल से भी अच्छा है।